पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद में युवाओं को पार्टी में लीडरशिप देने के लिए संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा, चिंतन शिविर में लगभग आधे डेलीगेट्स 40 साल से उम्र के कम हैं। युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। देश के अलग अलग राज्यों से आए युवा ग्राउंड लेवल से फीडबैक देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आगे की रणनीति तय करने में यह चिंतन शिविर बहुत अहम साबित होगा। मुझे लगता है इसके बाद पार्टी जल्द संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज करवाने वाली पीड़िता का आरोप है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने जोशी के दबाव में उसकी FIR दर्ज नहीं की। मंत्री महेश जोशी झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, जबकि वह मामले से पूरी तरह वाकिफ भी थे। 3 महीने पहले मैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से मिली थी, उन्हें मेरे साथ हुए अन्याय के बारे में बताया था और FIR दर्ज करने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन शिकायत दर्ज करने के बजाय अधिकारी मुझे चक्कर लगवाते रहे। राजस्थान में अब दिन के साथ साथ रातें भी झुलसाने लगी हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, फलौदी समेत कई शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। इन शहरों के अंदर दिन के साथ ही रात में ही हीटवेव चलने लगी और 14 मई तक राज्य में ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। 14 जिलों के अंदर गर्म हवा के थपेड़े परेशान करेंगे, तो इन जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात के गांधीधाम से दिल्ली राजपथ तक कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा मौज मादक के मुखमपुरा में पहुंची है। हाईवे पर ग्राम पंचायत कार्यालय प्रांगण में सरपंच रामजीलाल निठारवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव यात्रा में शामिल पद यात्रियों का स्वागत किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि देश की इस समय अराजकता का माहौल बना हुआ है और यह सब भाजपा की गलत नीतियों के कारण हो रहा। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।